वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ हमारे शहर ग्वालियर के केला माता के उस मंदिर में जहाँ बड़ी करौली केला माई का जैसा ही प्रताप है और भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी आप उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगी और साथ ही जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, भक्तगण आए हुए हैं, उन सब से भी हम बात करेंगे। कंटिन्यू वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए विदाउट एनी स्किपिंग, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को टैप कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी और भी वीडियोज आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो आज हम पहुंच गए थे हमारे शहर ग्वालियर के महल गांव, जहां लगा हुआ था बहुत ही अच्छा मेला और मेले में थी तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ें, साथ ही भक्तों की अपार भीड़ थी, झूले लगे हुए थे जिसपे बच्चे आनंद ले रहे थे और माता रानी को अर्पण करने के लिए प्रसाद की दुकानें। तो बस हमने भी श्री राज राजेश्वरी केला महारानी जी को अर्पण करने के लिए पुष्प और प्रसाद लिया और चल दिए उनके दर्शनों के लिए आगे। तो यहाँ की चारों ओर की रौनक देखकर, मेले में तरह तरह की चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं अपने छोटे नन्हे एक्सप्लोरर को घर तो छोड़ आई हूँ, काश उसे साथ ले आती तो उसे बहुत मज़ा आता, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों वो साथ आता है ना तो थोड़ी सी मुश्किल हमें ज़रूर होती है हमारे प्रोग्राम को शूट करने में, आपके लिए ब्लॉग तैयार करने में। तो इसलिए आज हम उसे घर ही छोड़ कर आए थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मंदिर परिसर में पहुँच कर हमने जो देखा नज़ारा, हमारा हर कदम माता रानी की ओर बढ़ तो रहा था लेकिन भक्तों की इतनी भीड़ थी, लेकिन सबकी श्रद्धा और भाव देखकर मन भी बहुत खुश हो रहा था। तो बस हमने भी माता रानी के दर पर घंटा बजाकर उनको अपने आने की सूचना दी, मस्तक नवाया और फिर उनके भक्तों की भीड़ के बीच हमने भी अपने प्रेम विश्वास और श्रद्धा का दीप जलाया और उनके दर्शनों के लिए चल दिए। के भवन के बाहर और यहाँ भक्तों की अपार संख्या में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि का समय है, सभी भक्त आए हैं, माता को नमन कर रहे हैं, उनसे अपनी मुराद मांग रहे हैं, अपनी छोरियां कर रहे हैं। आइए हम साथ मिलकर माता के अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। माता रानी को नारियल की भेंट बहुत ही पसंद आती है, तो हमने भी उन्हें नारियल की भेंट अर्पण की और फिर यहाँ पर मंदिर की सुंदर वास्तुकला का भी आनंद लिया। ये देखिए, ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ हमारे ग्वालियर की ऐतिहासिक वास्तुकला स्पष्ट दिख रही थी। तो हमने इस मंदिर में प्रवेश किया और यहाँ चारों ओर की रौनक देखकर भक्तों के बीच से होते हुए हम माँ के और निकट पहुँच गए। यहाँ माता रानी को हमने अपना प्रसाद जो नारियल लाए थे उसे अर्पण किया, श्रृंगार का सामान अर्पण किया, सारे भक्तगण भी यहाँ पर लगे हुए थे। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, सभी माता रानी के आगे अपने लाए हुए प्रसाद को अर्पण कर रहे थे। कोई भक्त घंटा बजा रहा था तो कोई झूम रहा था, माता रानी के इस सुंदर स्वरूप का आनंद ले रहा था। हमने भी माँ का दर्शन किया और फिर उनकी मंदिर की फेरी करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने चामुंडा महामाया के दर्शन किए। और फिर फेरी पूरी करने के बाद दूसरी ओर विराजित माता सरस्वती का दर्शन करके हम आगे चल दिए। देखा तो भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। महामाया आदिशक्ति यहाँ पर बड़े ही सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। हमने भी उन्हें नज़दीक से जाकर निहारा, उनके चरणों में मस्तक टेक कर सबकी मंगल कामना की। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर गोभियाँ उग रही थी मंदिर के अंदर, क्योंकि माता साक्षात यहाँ विराजित हैं और उनका ये मन भावन स्वरूप आप देखिए गुलाबों की माला से सजा हुआ था। और साथ ही हमने दर्शन किए गुरु स्थान के, जहाँ पर यहाँ के परम गुरु हीरा लाल जी का स्थान है जो कि माता रानी को यहाँ इस मंदिर में लेकर आए थे। केला माता के मंदिर में यहाँ पर कितनी विशेषता है और कितना पुराना जो कि ये मंदिर है, थोड़ा सा मंदिर के बारे में हमें बताइए। ये जो मंदिर है ये श्री राज राजेश्वरी केला महारानी का मंदिर, यहाँ पूर्व में जो मेरे बाबा जी थे, मैं हीरा लाल जी माता
उन्होंने कुंवर बाबा की प्रेरणा से और उनकी भक्ति करके और यहाँ से पैदल कैला देवी की यात्रा की और वहां से भी कैला देवी मैया को पिंडी रूप में वहां से मैया को प्रसन्न करके लेके आए। जब उन्होंने मैया को वहां से प्रसन्न करके अपने साथ लेकर चले तो मैया ने उनको ये कहा कि जो भी मैं आपको तो आपके साथ 21 पर चलूंगी, अष्टमी के दिन कैला देवी में पूजन होगा मेरा और नवमी के दिन मैं महलगांव में आपके वहां स्थान पर रहूंगी। और जो भक्त किसी भी आर्थिक स्थितियों से या पैसे के अभाव में या जो भी समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं के अभाव में जो व्यक्ति राजस्थान कैला देवी पूजा करने नहीं जा पाते वो यहाँ आके मैया की पूजा करते तो उनकी पूजा मैया यहाँ से स्वीकार करती है और उनको वही मनमान के फिर वरदान देती है जो राजस्थान कैला देवी का दर्शन करने के बाद। अगर राजस्थान नहीं जा सकते हैं और ग्वालियर के आसपास के हैं या आप ग्वालियर से भी हैं तो यहाँ आकर माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिंडी रूप स्थापित किया जैसे यहाँ पिंडी रूप बनी तो धीरे धीरे मैया का पूजन सेवा पूजा व्यवस्थाएं बढ़ती गई। जैसे धीरे धीरे मैया की ख्याति बढ़ती गई तो मैया का भव्य मंदिर बनाया गया, तालाब भी बनाया गया मैया का यहाँ पर और कुंवर महाराज का भी मंदिर है जो मैया के साथ में है और उन्हीं की प्रेरणा से मैया को यहाँ लेके आए थे और उनके सबके मंदिर बनने के बाद धीरे धीरे मंदिर बने। मंदिर बनने के बाद में इस समय वर्तमान में 107वां वर्ष चल रहा है मंदिर बनने के बाद और उससे पहले मैया का काफी वर्ष तक पिंडी रूप में मैया यहाँ विराजमान रही और धीरे धीरे उनका सारा यहाँ मैया के दरबार में जो भी श्रद्धालु आती है उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है कोई पर्टिकुलर एक मनोकामना नहीं है, किसी भी मनोकामना से आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। विशेषकर कुंवर महाराज के दरबार लगता है तो रात्रि 12 बजे से लगता है हर सोमवार को और उस दरबार में जिसको वर्षे हो जाते हैं जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती वो कुंवर बाबा के दरबार में आके अपनी प्रार्थना करते हैं और मंत्र मांगते हैं तो कुंवर महाराज के दरबार से उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। जैसे आपने तालाब की भी बात कही है अभी अगर रामेश्वर मंदिर है तालाब अभी तो फिलहाल तो सूखा हुआ है तो ऐसा क्यों है अब वहाँ जल क्यों नहीं है? पानी की और पाटली नीचे गिरावट होने के कारण वहाँ जल नहीं है लेकिन पूर्व में जब बड़े महाराज जी थे उस समय जो मैया जी का ये वार्षिक उत्सव जो आता है जेठ के महीने में पड़वा को बुद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन तो उस दिन जो मैया जी का वार्षिक उत्सव चल रहा था और रात्रि के समय यहाँ ग्वालियर में पहले इतना विकसित बाजार नहीं था तो जब जिस समय यहाँ उसका अभाव हो गया था भंडारे की प्रसादी बन रही थी काफी श्रद्धालु यहाँ थे तो जब घी की कमी पड़ेगी तो उसी मैया जी के तालाब में से जो जल था वो जल भर के लेके आए और उसी से प्रसादी बनाई गई। सुबह बाजार खुलने के बाद में उतना ही घी उस तालाब के अंदर वापस डाला गया जितना वहां से जल भर के लेके आए और एक 10-15 साल पहले की बात है उस समय एक मुराद के पास के ही एक सज्जन थे तो मैया के भक्त थे तो वो मैया का हर साल मेजा लेके आते थे। उन्होंने अपनी जीप काट के मैया के दरबार में अर्पण की आज ही के दिन रामनवमी के दिन और 3 दिन तक उसके बाद निरंतर यहाँ मेला चलता रहा। कुंवर बाबा के दरबार में उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई तो वहाँ उनके जो साथी थे उन्होंने बोला कि महाराज इन्होंने अपनी जीप काट के मैया को अर्पण किए और 3 दिन से लगातार उनका ये मेला चल रहा है। तो उस पर से कुंवर बाबा के दरबार से आदेश हुआ कि आप सुबह मैया जी के तालाब में स्नान करके और मैया जी का जयकारा लगाएंगे। लेकिन जो बात सब लोग जो सुन रहे थे उन लोगों ने ये कहा कि महाराज इनकी जीवा कट गई है ये कैसे जयकारा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना आप तो केवल जाइए। तो वो सुबह हुआ मैया जी के तालाब में स्नान करके और मैया का दर्शन किया। मैया के बाहर खड़े होकर उस व्यक्ति ने जो जिसने जीप काटी थी उसने मैया का जयकारा लगाया और जिस कटोरी में मैया के मंदिर में उनकी जीवा रखी हुई थी जल भर के गंगा जल में उनकी जीवा को डोब के और रख दिया था मैया के सामने उसमें से वहां से जीवा गायब हो गई और उसके अंदर एक गुलाब का सुंदर सा फूल आ गया। अद्भुत चमत्कार है जो यहाँ पर जो निरंतर चलते रहते एक के बाद एक होते ही रहते हैं ऐसे ही चमत्कारों से भरा हुआ है यहाँ केला माई का ये मंदिर। तो यदि आपके मन में भी कोई मुराद है तो दौड़ के चले आइए माता रानी का दर्शन कीजिए। तो महंत जी से बात करने के बाद फिर हम बाहर आ गए और माता रानी का दर्शन पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है भक्तों की, यहाँ पर पीछे भंडारा हो रहा है, वहाँ भक्तों की कतार लगी हुई है और ये माता रानी का भवन है जहाँ तो हुए है माँ के दर्शनों के लिए और मैं भी दर्शन करके आ गई हूँ। और अब मंदिर प्रांगण में और भी कई सारे मंदिर है, ये मंदिर है और भी एक रामेश्वरम करके बहुत ही सुंदर मंदिर है, राधा रानी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है जैसा कि ये बता रही है।
उन्हीं सारे मंदिरों के दर्शन हम करेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहे। मंदिर में भव्य भंडारा हो रहा था, जहां भक्तों की ये इतनी लंबी कतार लगी हुई थी, जिस कतार का कोई छोर नज़र मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन नज़र आ रहे थे तो भक्तों की भक्ति और श्रद्धा के नज़ारे। तो यहां देखिए, दूर दूर से लोग माता रानी को अपनी उगाई ये गोभियाँ अर्पण करने आ रहे थे, क्योंकि बड़ी मान्यता है इन गोभियों की। कहते हैं कि जब ये बहुत अच्छी से होती हैं, पूजा होती है, तो पूरा वर्ष भी उसी तरह से अच्छा बीतता है। तो सब ने यहाँ पर माता रानी को उसे अर्पण किया, यहाँ पूजा की, और हमने कुछ भक्तों से बात भी। तो यहाँ कितना मानती हैं आप माता केला को? बहुत मानते हैं। तो जो करौली राजस्थान में है वो और यहाँ पर क्या मतलब, आपको क्या लगता है, दोनों एक ही है या? मुझे तो एक ही लगती है दोनों। एक ही लगती है माँ की। आपने कोई मनोकामना मांगी, पूरी हुई है? हाँ हुई है ना, अभी अपने बच्चे का मुंडन कराने गए थे। बड़ी माता के बारे में जो भी है बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप परिवार के साथ आई हो या अकेले? नहीं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, सभी पूरे परिवार जन के साथ आए। मेला घूम लिया पूरा? अभी नहीं, अभी बच्चे लोग मंदिर गए प्रसाद चढ़ाने। अच्छा अच्छा, मंदिर अक्सर आते रहते होंगे? तो जितना भीड़ अभी देख रही है हर वक्त होती है, कैसी भीड़ रहती है मंदिर पे? मंदिर में डेली अगर बोले तो सोमवार और शुक्रवार को रहता है अच्छा भीड़। जैसे कि आज तो चलो नवरात्रि चल रहे हैं, उसकी वजह से आज ज्यादा भीड़ है। अच्छा, यहाँ बना हुआ है ये एक मंदिर है, कुंवर महाराज का मंदिर है, और इसमें क्योंकि महिलाओं का जाना मना है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। यहीं से हमने दर्शन किए हैं दूर से ही, बाकी सभी भी जितनी भी महिलाएं हैं वो दूर से ही आ रही हैं, दर्शन करके यहाँ से आगे के मंदिरों की ओर चली जा रही हैं। आइए हमारे साथ, आप तो यहाँ कुंवर महाराज का दर्शन करके जिनकी प्रेरणा से माता रानी यहाँ पर आई थी। हमने मंदिर में अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए, जहाँ यहाँ के महंतों की समाधियाँ थी, वहाँ भी हमने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया, और फिर मंदिर में बने महादेव और लांगुरिया के भी दर्शन किए, क्योंकि माता रानी के दर्शनों के बाद लांगुरिया और भैरव के दर्शन जरूरी होते हैं। और फिर हम पहुँचे मंदिर में बने हुए सुंदर से राम दरबार में। तो ये है केला मैया का मंदिर, जहाँ पर हमने उनके दर्शन आपसे करवाए। साथ ही यहाँ पर अन्य मंदिर भी है, जिसमें राम का दरबार भी यहाँ पर विराजित है, और नवरात्रि में राम नवमी का अवसर है, ऐसे में राम जी के दर्शन होने पर उनका दरबार इतना सुंदर संभाव यहाँ है। भक्तगण उनके पालने को मिलाकर अपना मात्र यहाँ देखकर आशीष कर रहे हैं। तो राम जी को झूला झुलाकर, उन्हें मस्तक नवाकर, फिर हम आगे चल दिए। मंदिर में अभी भी भक्तों का आनंद लगा हुआ था, तो बस उन्हें देखते हुए हम पहुंच गए रामेश्वरम धाम, जो कि यहाँ मंदिर में एक और बड़े से तालाब के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। हालांकि तालाब तो अभी सूखा हुआ है, लेकिन महादेव यहाँ विराजित है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद यहाँ नीचे एक बड़ा सा तालाब का हिस्सा बना हुआ है, हालांकि इसमें पानी नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ पर रामेश्वर धाम महादेव का मंदिर। आइए मेरे साथ उसके भी दर्शन करते हैं, साथ मिलकर। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी चारों तरफ, यहाँ ये तालाब का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि अभी पानी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, और यही पर ही सामने बना हुआ है महादेव का मंदिर। आइए मेरे साथ। तो यहाँ इस सूखे तालाब के बीच में बने हुए महादेव के हमने दर्शन किए, और यहाँ आए भक्तों से बात भी की। मुरार से आई हैं आप यहाँ पर, तो नवरात्रि में आती हैं या वैसे भी आती हैं दर्शन करने मंदिर? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं ना शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ, उससे पहले मैं शादी से पहले आई हूँ। तो कोई विशेष मनोकामना पूरी हुई है वो पूरी करने आई है, सिर्फ दर्शन करने आई है? अभी तो फिलहाल दर्शन करने आई है, चाहा तो मैया ने जो मन्नत मैंने मांगी है वो जरूर पूरा करेंगी। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ मांगा है? बिल्कुल मांगा है, वो करौली से तो मेरी बहुत श्रद्धा है। अच्छा मैया, तो राजस्थान करौली गई है आप केला मैया के? फिलहाल अभी तो मैं नहीं गई हूँ, पर मेरी मम्मी ने बताया था कि जब मैं 2.5 महीने की थी उस टाइम पर गई थी। या ये क्या, मैया ने अभी तक बुलाया नहीं है, अब यहाँ बुलाना चाह रही है, तभी अभी यहाँ दर्शन करा दिए, अब आगे चल के वहाँ कराएंगे। तो महादेव का यहाँ दर्शन करके और उनका आशीष पाकर माता रानी के अनंत भक्तों के बीच अपनी श्रद्धा का भाव भी माता को प्रकट करके यहाँ के इतने बड़े मेले में भरपूर आनंद के साथ, भक्ति के साथ और प्रेम के साथ माता का दर्शन करने के बाद अब वक्त हो गया था वापस जाने का। तो हमने माता से अनंत प्रार्थना की और उनके अद्भुत रूपों को आँखों में भर के वापस चल दिए।
स्थित केला माई के दर्शन मैंने कर लिए हैं, आप सबको भी करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ एक और एक्सप्लोर की कड़ी में नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करने, जल्द लौटूंगी, मेरी गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता की।